गाइस गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज जन्माष्टमी है, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। जन्माष्टमी की ढेरों ढेरों बधाइयाँ आप सब लोगों को। आशा करते हैं आप सबके घर में सब खुशल मंगल होंगे। सो गाइस, आज मैं लेने वाली हूँ रिवेंज इनसे। ये हर बार मेरे पे प्रैंक करते हैं ना, आज मैं इन पे प्रैंक करती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात कही आप। कैसा रहता है प्रैंक, आज देखो इनका क्या। सिट्टी पिट्टी घूम करूंगी आज मैं बंदे की। अरे कौन भोंक रहा है ये बदतमीज। गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा हमें प्रैंक कैसा लगा और हम और आप कैसे प्रैंक हमारे से चाहते हैं। गाइस जैसे ये गए हुए हैं पार्क मॉर्निंग वॉक के लिए, ये आने वाले हैं। चलो मैं प्रैंक की तैयारी करती हूँ, देखते हैं कैसा रहता है। पहले सबसे पहले माहौल बना दूँ। ये लगाती हूँ मैं। अरे वाह, तुम जागी हुई हो, क्या बात है। घर में खुशबू अच्छी बढ़िया वाली फैल रही हो, क्या हो गया आज? बस ऐसी। क्या बात है, आज तो तुम जागी मिली मुझे, क्या बात है। ठीक तो है तबीयत तुम्हारी? हाँ तबीयत ठीक है, तबीयत को क्या होना है फिर। बस ऐसी मजे, आज जन्माष्टमी है। अच्छा जन्माष्टमी करके तुम बैठ हो रही हो, क्या बात है। कुछ नहीं, जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी का तैयारियां करनी है। तुम्हारे लिए भी गुड न्यूज है। अरे वाह गुड न्यूज है। हाँ जी चलो शुक्र है भगवान के, कहीं से कोई गुड न्यूज तो मिली। बहुत बढ़िया, क्या गुड न्यूज है भाई? गेस करो। आ रहे होंगे कहीं से पैसे वैसे, कहीं कोई इंतजाम हो गया होगा, कुछ पैसे टको का कहीं ना कहीं से आ रहे होंगे। तो मेरा 24 घंटे पैसे की रहती है, है? पैसे की रहती है और कुछ सोचता ही नहीं है। उम्र देख मेरी 40 साल की है, बस यही होता है कि पैसे वैसे ये सब चीजें बराबर है। पैसा कहाँ से लाना है, पैसा कहाँ से निकालना है, यही बस तुम्हारे दिमाग में यही चलती रहती है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते रहते हो 24 घंटे। अब क्या करूँ भाई, मैं मेरा तो दिमाग यही चलेगा, कोई बिजनेस विजनेस हो गया होगा कोई शुरू, या कोई पैसे वैसे आ रहे होंगे, या कुछ इस तरह का यही चलेगा। और इसके अलावा मेरा दिमाग नहीं, ये नहीं है, दिमाग लगाओ लगाओ तो सही दिमाग। मेरे को नहीं पता जी, मैं तो बस यही सोच सकता हूँ बस, या तो बच्चों की कोई शो होगी, स्कूल में कोई अवार्ड मिला होगा। वो तो वैसे ही मिलता रहता है, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है, उसके लिए इतने खुश होते हैं हम लोग। हाँ तो वो क्या नाम है, परफ्यूम क्यों डाल रखी है आज, ये क्यों चालू कर रखा है? बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा था। खुशबू हो रही है घर के अंदर, मजेदार एसी चला रखा है, परफ्यूम लगा रखी है, बहुत बढ़िया माहौल बना रखा है। कहीं कहीं रोमांटिक वगैरह तो नहीं होता? नहीं जी वो भी नहीं है। चल झूठा ऐसा कहीं है, क्या पता रोमांटिक हो रही हो मेरी बीवी। नहीं जी वो भी नहीं है। फिर उसके अलावा आई डोंट नो, सोचो अब यार मैं औरत हूँ, मुझे यहाँ हाथ लगा करके सोचने लगता हूँ। ये क्या मतलब है यहाँ हाथ लगाने का? तुम लोगों की बुद्धि भी दिमाग यही होती है, ये ध्यान रखना। नहीं आप गलत जवाब दे रही हो। नहीं मैं गलत कैसे जवाब दे रही हूँ? ऐसे बोल सकते हो, हाँ यहाँ दिमाग लगा के कल्पना शर्मा चांद तक पहुँच गई, कल्पना चावला वहाँ तक पहुँच गई है, और यहाँ हाथ लगा के कल्पना चावला वहाँ तक पहुँच गई है। इसरो में इतनी सारी औरतें, सारी औरतें ही हैं, और दुनिया में डंका औरतों का बज रहा है। तुम छोड़ो, तुम्हें तो पता ही है, तुम तो अपना दिमाग यही तक ही घुमाओगे, तुम्हारे को तो कुछ पता ही नहीं रहता। आज जन्माष्टमी है, आज जन्माष्टमी पे ना कृष्ण लाए एक तोहफा दिया है। तोहफा दिया? हाँ जी। किसको तोहफा?
हमको तोहफा दिया है कृष्ण लल्ला। हाँ जी कान्हा जी ने। हाँ जी क्या मतलब, क्या कोई बहुत बड़ी लॉटरी लगा दी क्या? बहुत बड़ी लॉटरी समझ लो, कान्हा जी ने हमें तोहफा दिया। ऐसा क्या तोहफा दे दिया भाई? सोचो। सोच नहीं नहीं मैं अब तो बिल्कुल भी नहीं सोच पाऊंगा। क्यों नहीं सोच पाओगे? सोचो ना। तो फिर सुनो। क्या बोला ना? आज जन्माष्टमी है। आज एक तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अरे बता भी दे भाई क्या सरप्राइज है। सरप्राइज सरप्राइज कर रखा है सुबह से। पता है पता है पैसा टके की बात तू मना कर रही है, बिजनेस की बात तू मना कर रही है, भाई क्या है बताना? I'm pregnant. ये क्या हुआ? मुंह क्यों पागल है? कैसी बातें कर रही है तू? मतलब तू मेंटल हो गई है क्या? मैं क्यों मेंटल होने लगी? पागल दो दो बच्ची है ऑलरेडी, एक 12 साल की और एक 4 साल 3 साल की। तू मरवा खर्चे कहां से करूंगा मैं? तो मैंने बोला था यार ये कोई बात थोड़ी ना होती है। मैंने बोला था यार, तुम ये क्या क्या तमीज है यार, ये क्या तरीका है यार? नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं साफ कह रही हूँ। क्यों? नहीं नहीं आई डोंट वांट नाउ। अब तो आगे आप क्या कर सकते हो? अरे आप क्या क्या डिलीवरी हो गई क्या उसकी? अमेजोन से आ रहा है क्या पार्सल आज उसका? हंसो मत, मेरी यहाँ पड़ रही है और तुम्हें हंसने की पड़ रही है। नहीं ये कोई वो नहीं है, ये तो भगवान की देन है, इसमें तुम्हारे को कोई वो नहीं कर सकते। भाई हम सनातनी है, हम अल्लाह की देन नहीं मानते हैं, भगवान की देन नहीं है। अरे अल्लाह कहाँ से बीच में लिया है? तो हमारा नहीं नहीं भाई ना, खर्चे कहाँ से पूरे करूंगा? ऑलरेडी तू देख यार उसके अब नेशनल मैचेस होने लग पड़े हैं, 10-10, 12-12 हज़ार से ऊपर एक एक मैच पे चला जाता है यार। नहीं भाई मेरे बस की नहीं है, ऊपर से स्कूल की फीस है, ट्यूशन की फीस है, ये फीस है, वो फीस है, मैं अब नहीं कर सकता भाई, मेरे बस की अब नहीं है। पहले एक टाइम था तो ये तुम्हें सोचना चाहिए था ना। अरे तो तुम क्या घास चल रही थी उस समय? नहीं तुम क्या घास चल रही थी? अरे मैं चुप गया, तुम कर लेती क्या? कर लेती क्या मतलब है? मैं नहीं यार ये इसको करो भाई, काम करना पड़ेगा। नहीं मेरे बस की नहीं है, मैं आई डोंट लाइक मेरे क्या यार मेरा, तुमने तो एकदम इसी वजह से ये परफ्यूम लगा करके बैठी हो, रोमांटिक हो रही हो। मैं साला यहाँ पर और रोमांटिक हो रहा हूँ, तुम यहाँ पर ये काम करके बैठी हो कि ये तुम्हें गुड न्यूज लग रही है? आप एक बात बताओ संजना, आई एम 42, चलो मैं आपकी बात को सहमत करता हूँ ठीक है। अब क्या नाम है, अगर तीसरा बच्चा हमारा होता है तो 42 के बाद वो 20 साल में अगर मैच्योर होता है तो मैं 62 में जाऊंगा। 62 साल की उम्र में मेरा बुढ़ापा तह दिल पर होगा और मैं बच्चे को जो है अभी सेटल भी नहीं कर पा रहा हूँ। आप नहीं, अब ये मैच्योरिटी लाइन से बहुत ऊपर चला जाएगा। नहीं आई डोंट लाइक, तुम भी सोचो यार इस चीज को लेकर, ये कैसे तुम करोगी ये बताओ। अरे कहना क्या चाहते हो? एवरीथिंग आपकी भी उम्र हो रही है ये सब भाई, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना होता। नहीं सुनो क्या बोलते हैं, कृष्ण लल्ला ने हमें गिफ्ट दिया है तो हमें दो लड़कियां पहले ही है हमारे पास है ना, अब एक लड़का आ जाएगा। अरे बाबा ये लड़के की चाहत को ऐसा नहीं सोचते, लड़कियां कोई कमजोर नहीं होती है, वो तो मैं मानती हूँ कि लड़कियां कमजोर नहीं होती। तो संजना अब देखो, उम्र देखो, मैच्योरिटी लेवल देखो, समय देखो, ये ही अगर 5 साल पहले हो या 3 साल पहले या 2 साल पहले होता हाँ। या पर और थोड़ा सा पहले हो गई होती और उसके बाद होता तो शायद हम लोगों को अफोर्डेबल होता हाँ। या हमारी भी उम्र होती उस समय। मुझे देख साला आधा किडनी का मरीज हूँ, कभी किडनी एकदम डाउन हो जाती है, कभी किडनी ठीक हो जाती है। अब मेरे को कुछ हो गया कौन पालेगा, बच्चों की जिम्मेवारियाँ देगा? नहीं सुमो क्या बोलते हैं, कृष्ण लल्ला ने हमें ये दिया तो हमें रखना पड़ेगा। भाई कृष्ण लल्ला के पीछे मत पड़ो भाई, मैं मानता हूँ कृष्ण लल्ला ने दिया। अरे यार तू कृष्ण लल्ला, मैं नहीं वो कर सकती यार संजना, मेरा सर फट जाएगा यार सुबह। अरे यार समझा करो यार, क्या बोलते हैं देखो नहीं सकते। अरे क्यों नहीं रोक सकते, अभी कौन सा कितना एक ही तो हुआ, कोई बात नहीं हम रोक देंगे। नहीं मैं नहीं कर सकती यार। इधर सुनो मेरी बात को, सुनो यार मेरी बात को सुनो, तुम एक बात बताओ, इधर समझो समझो, अरे इसे छोड़ो, तुम मेरी बात को समझो भाई। हंसो मत यार प्लीज यार, मेरी फट रही है तुम्हें हंस रही है, मेरी फट रही है तुम्हारी जल नहीं रही है यार, ये कोई बात होती है भाई? इधर समझो, मैंने कुछ नहीं समझना, जो मैंने वो क्या बोलते हैं, जो आ गया तो आ गया,
यार ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे ही होता है। देखो खाली बच्चा पैदा करना माँ बाप का फर्ज नहीं है, उनकी परवरिश भी माँ बाप का फर्ज है। मैं उनकी उसकी परवरिश कैसे करूँगा? सब आ जाएगी, दिया उसने है ना तो अभी वही करेगा। यार मतलब यार ये कोई बात थोड़ी ना होती है यार, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ यार, नहीं ऐसा मत सोचो। अच्छा अच्छा अच्छा, टेंशन मत लो, शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो। मैं शांत कहाँ से हो जाऊंगा? अच्छा सुनो, शांत हो जाओ, इतनी टेंशन मत लो, शांति रखो बिल्कुल। है मैं तुम्हारे को टैंग करती हूँ, मेरे सारे निकाल दिए तूने और तू कुछ नहीं है। नथिंग, पक्का कुछ नहीं है। अरे नहीं मजाक कर रही थी, प्रैंक। कैमरा ऑन कर रखा हुआ है, ये देखो कैमरा। एक तो साला जब से मैंने इसका लैंप बंद किया ना, पता नहीं चलता कभी ऑन होता है और कभी ऑफ होता है। पहले लैंप था इसके आगे मैंने चालू रखा था, पता है कैसा लगा मेरा प्रैंक? सच में ये टाइम अब मेरा ऐसा नहीं है कि मैं इस खुशी की बात को इतने खुशी से ले पाता। अरे मैं मजाक कर रही हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा लेकिन एक बात है, इसका दिमाग ऐसी जगह था कि आदमी को हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा। मैं तो साला हार्ट अटैक देने वाले प्रैंक कर देता हूँ कई बार। यार सो गाइस, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पसंद आएगा ही आएगा यार, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा आप और कैसे कैसे प्रैंक देखना चाहते हैं उसके लिए हमें। सॉरी गाइस, आज मेरी पहली बार गाली निकल गई मुंह से यार। अरे यार मैंने कभी हमारे प्रैंक में आपको मेरे गाली नहीं मिली होगी। एक्चुअल में प्रैंक मैं करता हूँ ज्यादातर इसके ऊपर, और आज इसने मेरे पे किया, आज मेरी गाली निकल गई यार। गाइस मेरे प्रैंक ही ऐसे होते हैं, अलग ही लेवल के, नेक्स्ट लेवल। चलिए गाइस एनीवेज, थोड़ा नॉर्मल हो गया हूँ मैं। लाइक करिए यार, कॉमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए तो क्या कहती हो तुम? सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए। ये अभी स्कूल में हो जाएगी थोड़े दिनों में, जो बच्चा इसका प्रेग्नेंट ही हुई है ना, उसके साथ जब वो स्कूल जाएगा तो ये भी स्कूल जाएगी इसके साथ। नहीं गाइस, मेरा बोलने का तरीका ही ऐसा है, सॉरी, बुरा नहीं है, अच्छी बात है। मैं सोच रहा हूँ इस पर रील बना दी जाए, चलो चैनल सब्सक्राइब करो, चलो चैनल सब्सक्राइब करो। मेरी तो सब्सक्राइब ही निकलता, सब्सक्राइब निकलता ही नहीं मेरे से। ओके गाइस, बाय बाय।